हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा आठवां रस शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है अद्भुत रस। इसका स्थाई भाव है विस्मय। विस्मय शब्द का अर्थ होता है आश्चर्य। देखिए परिभाषा, किसी विचित्र अभूतपूर्व असाधारण वस्तु को देखने अथवा सुनने से हृदय में जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है वहाँ अद्भुत रस होता है। जैसे आपने कोई भी विचित्र अभूतपूर्व जो पहले नहीं देखी या असाधारण वस्तु देखी या कोई व्यक्ति विशेष देखा है तो आपके हृदय में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होगा, विस्मय का भाव उत्पन्न होगा, वह कौन सा रस होगा? अद्भुत रस। उदाहरण, अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु चकित भई गदगद वचन विकसत दृगुल कातु। यहाँ वर्णन किया गया है माता यशोदा का, कि जैसे ही माता यशोदा ने श्री कृष्ण का मुंह खुलवाया तो उसके मुंह में उसने पूरी सृष्टि देख ली, पूरी प्रकृति देख ली। तो माता यशोदा को उस समय उसके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, उस भाव को देखकर उसके हृदय में किसका भाव उत्पन्न हुआ था? आश्चर्य का। ठीक है, तो वहाँ आश्चर्य का भाव उत्पन्न होने से वह कौन सा रस उत्पन्न हुआ? अद्भुत रस। इसके बाद आता है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, इसे सम भी कहा जाता है। यहाँ शांत रस कहाँ होता है? संसार की नश्वरता, परमपिता परमेश्वर के रूप ज्ञान होने से संसार के प्रति जो लौकिक विरक्ति की भावना होती है वहाँ निर्वेद स्थायी भाव उत्पन्न होता है और वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। आइए इसकी परिभाषा पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। संसार की नश्वरता, नश्वरता का मतलब क्षणभंगुरता। संसार की नश्वरता एवं परम पिता परमात्मा के रूप का ज्ञान होने से संसार के प्रति जो लौकिक विरक्ति की भावना, विरक्ति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है उसे निर्वेद कहा जाता है। इस निर्वेद स्थाई भाव इसको सम भी कहते हैं। निर्वेद स्थाई भाव के उत्कर्ष होने पर विभाव आदि द्वारा जागृत, उद्दीप्त और पुष्ट होने पर शांत रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कि जब भी संसार की नश्वरता परम पिता परमेश्वर के रूप का ज्ञान होने से संसार के प्रति जो लौकिक विरक्ति की भावना उत्पन्न होती है वहाँ निर्वेद स्थायी भाव उत्पन्न होता है। और निर्वेद स्थायी भाव जहाँ भी उत्पन्न होगा वहाँ कौन सा रस उत्पन्न होगा? शांत रस। यह उदाहरण है, भाग रहा हूँ भार देख तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। यह संसार की नश्वरता के बारे में कहा गया है कि मैं संसार की जिम्मेदारी, भार का मतलब बोझ, जिम्मेदारियों को देखकर भाग रहा हूँ और तू मेरी ओर निहार देखनी लगातार एक तक देख। मैं त्याग चला निस्सार देख, मैं सब कुछ छोड़ चला, संसार में जो भी मेरा अपना माया जाल जो भी था सांसारिक माया मोह उसको मैं छोड़कर जा चुका हूँ, मेरा इस संसार में कौन सा काम अटकेगा, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। क्योंकि संसार है जो मानव जीवन है वो क्षणभंगुर है, नश्वर है, नाशवान है, कभी भी नष्ट हो सकता है। देखिए दसवां रस शुरू होता है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है वत्सल। वत्सल का अर्थ होता है प्रेम। कौन सा प्रेम? माता पिता का संतान के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसमें पुष्ट रस वात्सल्य रस कहा जाता है। देखिए माता पिता अपने संतान के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम प्रकट करते हैं, जो प्रेम लुटाते हैं, वह कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस। उदाहरणार्थ, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, महलावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आनी सुलावे, तू काहे न बेगी सो आवे, तो को काने बुलावे। देखिए यहाँ वात्सल्य रस है कि माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम प्रकट करती है उसका वर्णन किया गया है। माता यशोदा अपने शिशु को, अपने बच्चे को, अपने पुत्र को पालने में झुलाती है, वह उसे हलाती है, धुलाती है, अर्थात प्रेम करती है और जो भी उसे कुछ आता है वो गाकर सुनाती है और कहती है, मेरे लाल को निदरिया तुम क्यों नहीं आती, तुम्हें कौन बुलाता है? श्री कृष्ण बुलाता है, कन्हैया बुलाता है। तो देखिए जहाँ भी माता पिता अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम प्रकट करते हैं वह कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस। इसके बाद शुरू होता है लास्ट में भक्ति रस। ये भक्ति रस कहाँ होता है? ईश्वर विषय प्रति प्रेम, क्या अर्थात जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट किया जाता है वह कौन सा रस होता है? भक्ति रस। परिभाषा, अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा, आदर भाव, समर्पण
भक्ति, ईश्वर विषयक प्रेम, अलौकिक शक्ति या प्रभु के प्रति समर्पण की भावना आदि प्रसंग में किस रस की प्रधानता होती है? भक्ति रस की। उदाहरण है, मीराबाई ने कहा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कि श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में, मेरी आंखों में बसे हुए हैं, मेरे मन में बसे हुए हैं। मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरत नैना बने विशाल, कि उनकी जो मूर्ति है वो मोहिनी है, सभी के मन को मोहने वाली। उनकी जो सूरत है वो कैसी है? सांवली है। और उनके नेत्र कैसे हैं? बड़े बड़े विशाल नेत्र है, वो सदैव मेरे नेत्रों में, मेरी आंखों में बसे हुए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा अलग जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जब क्लास होगी आपको अलग टॉपिक पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।